है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है यूपी पीईटी एग्जाम 2022 को लेकर। आखिर इतने रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हैं, क्या परीक्षा एक दिन में आयोग करा पाएगा सभी की? यह सरकार जो ढिंढोरा पीटती नजर आ रही है कि हमने सबको रोजगार दे दिया, कितनों को रोजगार दिया, उन पर ये एक कटु प्रहार है कि यूपी टेट में 2022 में रिकॉर्ड आवेदन किए गए हैं ग्रुप सी और डी के लिए। आप देख सकते हैं आर्टिकल, समूह ग प्रारंभिक परीक्षा के लिए 37 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं। ये 2021 में महज 20 लाख आवेदन थे डियर, लेकिन इस बार ये 37 लाख कर दिए गए। ये एक समूह ग के लिए पदों पर होने वाली भर्ती से पहले आयोजित कराई जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। इससे केवल आप ग्रुप सी और डी में जो वैकेंसी आती हैं उनके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए एक खामी है। सरकार का ये बता रहा है कि बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में कितने शीर्ष स्थान पर है। इसी के संदर्भ में एक न्यूज़ और छपी है, आप देख पा रहे हैं 37.2 लाख आवेदन। आयोजन की चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। सरकार अब के एग्जाम कराने के लिए जो है उसके पास प्रेशर है और एग्जाम एक दिन में नहीं करा पाएगी, क्योंकि 37 लाख अभ्यर्थियों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। आयोग के अध्यक्ष जो प्रवीर कुमार जी हैं, उन्होंने कहा था 2022 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए हम परीक्षा को 2 दिन में आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं। तो देखिए, 2 दिन में यानी कि 4 शिफ्ट होंगे 37 लाख आवेदन के। और देखिए, इस बार का पीईटी इसलिए खास है क्योंकि जो पिछले वर्ष का पीईटी था उसके आधार पर महज एक भर्ती निकाली गई थी, वो भी यूपी लेखपाल की, और जिसमें कटऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया गया था। तो देखिए, जब 20 लाख में कटऑफ हाई था तो इस बार 40 लाख के लगभग आवेदन हैं, और कहीं ना कहीं मेरिट को अप करेगी गवर्नमेंट, लेकिन ये एक बेरोजगारी को दर्शाती नज़र आ रही है डियर। तो अगर आपने यूपी पेट का फॉर्म फिल कर दिया है तो आप उसकी तैयारी कीजिए। हमारे चैनल पर भी प्लेलिस्ट में आप जो है जीके जीएस हिंदी इत्यादि वीडियोस देखकर अपनी तैयारी को गति दे सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये यहाँ की कंडीशंस है इस समय प्रदेश की कि एक सी डी के विज्ञापन के लिए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन जा रहे हैं डियर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।